कौन? वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से आई हैं? अमेरिका से आई। ओह माय गॉड, देखते रह जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ऐसा लग रहा है मेरी शादी हो रही है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं खुद में आती हूँ। तायरान मेरा दिल है। Hey guys, this is me, Tairan Kaur, and welcome back to my new vlog. Guys, अभी जा रहे हैं वेन्यू की तरफ। वेन्यू किस चीज़ का शूट का, क्योंकि मुझे नहीं पता यार, मैं इतना लेट सो के उठाऊँ, मम्मा उठाई जा रही थी, उठा नहीं जा रहा था मुझसे, क्योंकि मैं सोया ही 8 बजे था। अब जाहिर सी बात है गाइस, 10 बजे निकलना था। खैर बातों बातों में ये बताओ आपको भाई लग कैसे रहा है, और आज आपके भाई का है निकाह। मैं क्या बात करूँ गाइस, यकीन करें एक्साइटेड भी हूँ, साथ साथ कन्फ्यूज भी हूँ, और साथ साथ एक भंड हो गया है कि जहाँ शूट करना था ना वहाँ का इंचार्ज नहीं आया है, और 11 बज चुके हैं, 1 बजे तक हॉल पहुंचना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, पॉलर जा रहा हूं मम्मा को और आपकी होने वाली भाभी को पिक करने के लिए। सो देखते हैं क्या सीन बनता है यार, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। पापा और बहनें वगैरह घर में सब लोग रेडी हो रहे हैं, और मैं से सकीना, और मैंने क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी निकलना था, तो हम लोग निकल कर लेफ्ट पे जाना है भाई, लेफ्ट पे जाना है भाई। यकीन करो गाइस, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार, क्योंकि एक होता है बंदा निकाह का प्रॉपर ब्लॉग बनाता है कि पहले वो अपना सुबह गुड मॉर्निंग करता है, नाश्ता दिखाता है, ये करता है वो करता है। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने बोला यार देखो आप लोगों और मेरी आवाम तो मैं जानता हूँ, देखना भी निकाह ही चाहती थी, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि भाई निकाह कब होगा। तो भाई फाइनली यार, फाइनली मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ कि यार मेरा निकाह है आज, और मैं एक नए रिश्ते में बनने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैंने जितने पुराने चीज़ें हैं वो सबको मैं छोड़ के एक नई ज़िंदगी की गाइस शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो अब मैं ये है कि हर चीज़ से अपने आप को कोशिश करूँगा कि बुराई से दूर रखूँ और अपने आप को चेंज करूँ, क्योंकि गाइस ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत अल्लाह का बनाया हुआ नेक रिश्ता है निकाह। तो हम कोशिश करेंगे कि इस निकाह के नेक रिश्ते को नेक तरीके से लेके आगे बढ़ें, और इस सफ़र को खूबसूरत बनाएं मेरे पार्टनर के साथ। कि मेरी पार्टनर जितनी अच्छी है ना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी उसके जितना ही अच्छा बन जाऊँ इंशाल्लाह। और सेकंड थिंग इज़ दैट मैं इस निकाह के मौके पे मैं अपनी बहन को बहुत मिस करूँगा, जो कि अमेरिका में बैठी हुई है। आई मिस यू यार। एंड अपनी फूफो को मिस करूँगा, बहुत सारे कज़न्स हैं मेरे जो बाहर बैठे हैं, उन्हें मिस करूँगा, क्योंकि वो होते कज़न्स तो आपकी स्ट्रेंथ होते हैं, तो वो लोग भी नहीं हैं। तो मिस यू ऑल गाइज एंड मिस यू फूफो। अल्फाज नहीं आ रहे गाइज क्या बताएं, क्योंकि जब बंदा एक्साइटेड होता है और बंदा थोड़ा सा नर्वस होता है, बंदा कन्फ्यूज होता है, तो वो बता नहीं पा रहा होता कि वो फील क्या कर रहा है, क्योंकि मेरी जो फीलिंग्स है ना यार, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। बहरहाल गाइस देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट हो गया है, और मुझे भी पिक करने जाना है मेरी मम्मा को और मलाइका को। ओह शिट, मुंह से निकल गया नाम, मैंने सोचा था बताऊँगा नहीं, खैर ऐसे ही है। मम्मा और मलाइका लोग आ गए हैं भाई सामने से। वाओ, फाइनली दुल्हन हमारी आ गई है, और ये मेरी दुल्हन और मम्मा। कमिंग कमिंग फाइनली, माशाल्लाह गाइस ये लोग आ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह आप। तो गाइस फाइनली यार हम लोग शूट की तरफ निकल गए हैं। मलाइका और मामा पीछे गुफ्तगू कर रही हैं। क्या बातें कर रहे हो? हम लोग कैसे बातें कर रहे हैं आपके लिए? तो क्या बातें कर रहे हो? पर्सनल हो सकती, पर्सनल हमारी बात। ओहो, पर्सनल बातें चल रही हैं गाइस इनकी। अरे ये मेरी दुल्हन देख रहे हो गाइस, और तुम लोग बोल रहे थे यार तुम्हारी मंगनी खत्म हो गई, ये हो गई, ऐसा गाइस कुछ भी नहीं है, आपके सामने देखो। और ऐसा भी सस्पेंस भी नहीं छोड़ा मैंने, जब लोगों ने सस्पेंस नहीं छोड़ा, लोगों ने मेरा रिवील कर दिया सारा सस्पेंस, जो कि मैं अपने सरप्राइज अपने दोस्तों को, अपने फैंस को, अपने फ्रेंड्स को, सबको देना चाहता था, जो मेरी आवाम है, जो मुझे फॉलो कर रही है, वो सब वैसे ही रिवील हो गया था। मैं बोला जाने तो यार, खैर है, और हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो अब वहाँ पहुँच के उतर के पूरा सीन दिखाते हैं कि हम ऐसा कपल लग कैसे रहे हैं, और क्या सीन है, और कौन शूट करने आ रहा है, वेन्यू क्या है, और कितने मेहमान आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, वो सब आपको पता चलेगा इसी व्लॉग के अंदर। साथ साथ सब्सक्राइब करते रहें। सो फाइनली गाइस हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं आप? क्या हाल है भाई? बताओ। ज़बरदस्त फिट। उफान तो कहाँ गए यार? उफान माजरा यार, बहुत देर हो गई। असल में हम लोग खुद, मैं इतना यकीन मान दिमाग से सटिया गया था ना, मैंने बोला क्या चल रहा है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। लोगों को पॉलर से लेकर आया, फिर वो जो है लोकेशन वाला सीन ऑफ हो गया। खैर देर नहीं करते, अब स्टार्ट करते हैं, जो भी सीन है रेडी होता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो मम्मा मुझे रेडी कर रही है भाई,
थोड़े बटन शटर्स रह गए थे और हमारी होने वाली वाइफ पीछे मुस्करा रही है, स्माइल चेक कर रहे हो गाइस। रूह से तो मिलाप हो चुका है आपकी वाइफ को भाई। हाँ जो बात है भाई, हाँ भाई अच्छी, कैसा लग रहा हूँ? प्यारे लग रहे हैं। अच्छा तुम्हारी था ना? मैं तो वही प्यारी। हाँ ये तो है, मलाइका तो गाइस है ही प्यारी। अभी मत पहनो मलाइका को, बोले अभी मत पहनो ग्लासेस। मैं तो वैसे ही पहना हुआ था, मैं भी उतार दूंगा ग्लासेस और शूट करते हैं गाइस। बैठनी मैं सुबह सुबह देखे उठ कर आओ, तुम भी नहीं खाओ पता नहीं खाते रहो। क्या बात है यार, आई लव यू यार। तुम जो है ना जरूरी है इंसान के लिए, खाना चाहिए। खाना जो है ना इंसान तो कुछ होता है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है मेरा भाई। भाभी भी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच यार तायरा, तुम मेरे लिए आए थे, मैं भी इसीलिए आया हूँ तुम्हारे लिए, पता है। पापा किधर हैं? पापा बेटा घर वालों को सब घर में जमा है ना, जो लोग लेकर पहुँचेंगे गाड़ियाँ करवाएंगे। हाँ देखे भाई गाइस, ये भी देखे ना आंटी हमारे साथ ड्यूटी देने आ गई, और बाकी मेहमान नवाजी को देखने के लिए पापा उधर है अभी, इसलिए मुझे आना पड़ा। और जब से सब मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, मम्मा वो कहाँ रखा है, वो चीज़ कहाँ है, वो सारी ड्यूटीज होती है और यहाँ मैं उनके साथ आना पड़ा मुझे। चलो व्लॉग में भी एक क्लोजअप ले लेता हूँ यहाँ से। ओ फाइनली यार निकी, थैंक यू फॉर कमिंग माय बॉय फ्रॉम कराची। रात को तुमसे मिलूं, मैं रात से आया हूं तुम्हारे लिए। यार असल में इसमें इतना ख्वार करवा रही थी मुझे, मैं टाइम नहीं था। हाँ यार आ जा यार, मुइस असीब ये पकड़ मेरा ब्लॉग, आ जाओ यार, माय वाइफ माय मॉम प्लीज। सच अ नाइस पोज यार, करना इजी नहीं होता, मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरा पहली बार निकाह होने जा रहा है। करना बहुत इजी होता है भाई, बहुत इजी होता है। 8 घंटे खड़े होकर शूट कर लेता, लेकिन यहाँ खड़े होकर 2 घंटे बर्दाश्त नहीं होते। हाँ सब बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल होते दूल्हे की ना सही की रेड लग जाती है, दुल्हन की भी ऐसी बात नहीं है यार। मैं यही चीज, चलो भाभी की से तो ये चीज अनएक्सपेक्टेड है, बट तुम क्यों कंफ्यूज हो रहा है इतना? मैं कंफ्यूज कहां हो रहा हूं यार, पीछे बॉस में भी दिख रहा है, वो बॉसेस नहीं आ रहे बॉय। निकाह का सीन है ना, ये नॉर्मल पोजेस और उस पे फर्क होता है, निकाह के अंदर आप थोड़ा सा संजीदा होकर खड़ा होना पड़ता है। बट नो डाउट माशाल्लाह, ऐसा ही है, बट नो डाउट माशाल्लाह से माशाल्लाह। बाकी मैं बाकी तारीफ आगे चलती रहेंगी, मैं नहीं लोग खुद बताएंगे यार। अगर मैं ये रख लूं नीचे माशाल्लाह माशाल्लाह। आंटी ये तो देखा है हमें जरा व्लॉग में भी, मैंने चीजें इसके लिए। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये क्या है, आपने खुद बनाया है ये? नहीं डिजाइन में। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, सो इसको देख के एक लाइन याद आ गई है, पता है आपको आजकल क्या लाइन चल रही है? सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। लाइका का सोलो शूट चल रहा है, सो ब्यूटीफुल एंड आई एम लुकिंग सो हैंडसम, कमेंट में बताइएगा हाँ या ना। और सडन निकाह हो रहा है गाइस, कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं थी, हम तो मंगनी का सोच के बैठे थे कि बड़ी मंगनी करेंगे, लेकिन यहाँ तो निकाह फिक्स हो गया। हाय मलाइका, ओ मैम, और यहाँ पे मैम बैठी हुई है और आपका भाई घूम रहा है, सारे सारे होते हैं बस यार। ग्रुप इधर देखे, ब्राइड इधर देखे, ग्रुप इधर देखे। उमा क्या हुआ? अरे मुझे यकीन नहीं आ रहा, दिसंबर है हाँ, और बहुत गर्मी है। जो बात है गाइस, वैसे इससे पहले वाले महीने में सर्दी थी, इन लोग को मैंने बोला जैकेट्स लेके आना, तुम लोग ये बिना जैकेट के आ गए भाई। दो दिन पहले तो अच्छी खासी ठंड थी और ये दो दिन से पता नहीं क्यों गर्मी हो गई। अभी थोड़ा सा मैंने बोला मम्मा हमारे साथ शूट वूट करवा लें, मम्मा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं एज यूजुअल। यस यू वेलकम। और वहाँ सब लोग मलाइका शूट करने में लगे पड़े और मैं और मेरी मम्मा ऐसे ही खड़े हुए हैं यार, हद हो गई है, कोई लिफ्ट ही नहीं है भाई। आप दोनों तो यहाँ घूम रहे हैं, फिर इवेंट जो जहाँ पे हो रहा है वहाँ कौन जाएगा? क्या चीज़ इवेंट भी है भाई यहाँ पे, इजीली आप दोनों घूम रहे हैं, पहुँचते हैं ना यार, मेहमान पहुँच गए, टाइम लेट है लेकिन शूट भी जरूरी। चलो 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 चलो, भूल गया था भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है?
बेहतरीन यार माशाल्लाह सारे रेडी शेडी हो गए हैं। मैं पहुंच चुका हूं फाइनली और यहां सब लोग पहुंच चुके हैं, सब लोग यहां पहुंच चुके हैं। आपका भाई भी आ गया है फाइनली, सब लोग रेडी हैं, तैयारियां चल रही हैं, सारे मेहमान आ चुके हैं यहां पर। सामने वाश वाले निकल कैसे हैं ठीक ठाक सारे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतरीन भाई भाई। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, अस्सलाम वालेकुम, कैसी प्यारी? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, है सेटअप है सारा इधर पता क्या सारा? बेहतरीन बेहतरीन। हेलो कैसे हैं? ठीक है, खैर मुबारक, खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, हमारे पास देख सकते हो यहाँ पे बहुत प्यारा सेटअप लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यार तैयार हो गया, तो गाइस इनकी शादी होने वाली है जी, इनकी शादी। हाँ थैंक यू, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बड़ा प्यारा लग रहा है। पुष्प लगा के आए आप भी भाई, क्या कर रहे भाई? मेरे भांजे के निकाह है। क्या बात है यार, क्या शादी, डांस वांस करना है भाई? VIP इंशाल्लाह, फुल भंगड़ा होगा, फुल मजे करेंगे इंशाल्लाह, फुल एंजॉय होगा इंशाल्लाह, भरपूर तरीके से एंजॉय होगा। और बाकी सेटअप कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, जबरदस्त बेहतरीन बेहतरीन। गाइस सेटअप ऑल क्रेडिट गोज टू रेड स्टार इवेंट सर्विसेज, बहुत लविंग सेटअप लगाया है मेरी फैमिली माशाल्लाह। यहाँ पे शूट चल रहा था आपका, आप लोग देख सकते हैं बेहतरीन माशाल्लाह जबरदस्त सेटअप। आपको सेटअप कैसा लगा? बहुत अच्छा सेटअप है ना अनम भाभी? वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से आई हैं? अमेरिका से? ओ माय गॉड, पापा अभी है ना यार, हाँ देखिएगा मजा आएगा आपको भरपूर बहुत। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग यार, नहीं नहीं सही टाइम पे पहुंचो, सही टाइम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? आओ तुम लोगों को अपने पेरेंट्स से मिलो। सो हैप्पी फॉर यू तारान, थैंक यू सो मच। नहीं अम्मी है पहले ये कंफर्म, ये मेरी मम्मा है माशाल्लाह, थैंक यू सो मच अरीशा, माशाल्लाह। ये अरीशा लगी शेनी जिनकी, अच्छा नहीं अरीशे नहीं आती तो फिर बात खराब थी। और बाबा ये कश्यप है और कश्यप की मामा है, कहाँ है की एंट्री हो चुकी है। हाँ भाई बस ठीक है ना, क्या कौन बदल गया? एक भी पिक्चर नहीं मिले भाई ने कैमरा में, से मनाएगा हम भी के साथ ही को बदल गया है, पहले फुल भाई को नजर ही नहीं आ रही है। मलाइका ऐसा कुछ है? नहीं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, तो यही बोलेंगे यार हम लोग तो खुद गाइस 2 महीने बाद मिल रहे हैं, ऐसा ही है ना मलाइका? ब्लॉक करना मलाइका, दो महीने बाद मिल रहे हैं और अपने सब्सक्राइबर्स है तो आई थिंक 4 या 5 मंथ बाद। लेकिन भाई माशाल्लाह भाई फुल एंजॉय हो रहा है, बच्चे हैं फुल पार्टी, भी चश्मा लगा के आएंगे घर पे भाई, भाई लेकिन आज हम भी व्लॉग बना रहे हैं। हाय गाइस, हम आपको गाइस हम आपको अच्छे लगे ना लगे, हम खुद को बहुत अच्छे लगे और हम इस चीज में बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इस्लाम में बनाते हैं कॉपीराइट गा दिया, क्यों बेबी गाना थोड़ी गा रहे हैं ना? हां मलाइका भी कुछ बोली। भाई थैंक यू भाई, तुम लोग आए, तुम लोग हैंडसम, तुम लोग भी भाई पुल ऑन भाई। ये हमारा कजन तायरान अपने फैमिली के साथ, मेरी खूबसूरत मामी की फैमिली और ये हमारी भाभी। कैसी हैं आप?
बॉडी तो मैक्स है यार दोनों। हाँ भाई डैडी ने। अरे जा यार। थैंक यू बॉबी फॉर मेकिंग माय व्लॉग। अरे भाई ऑलवेज केयर फॉर यू यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच। मुबारक हो भाई। खैर मुबारक हो दादा। खैर मुबारक। हम लोगों के सारे मामू भांजे यहाँ पे मौजूद है। अरे रे 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 रो। अरे रे 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 रो। ये जो बोला है आपने। हाँ आप आते नहीं तो मैं नाराज हो जाता। नहीं नहीं वो यही तो बोला है। बस एडिट किया आपने। कैसे आप मेरी जान बहन। बहुत खुशी हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे याद रखा सर। मैं यकीन खुश रहो पाकिस्तान के शो में ना वाइट बंदर तुम्हें भूल नहीं सकता भाई। मैं समझ सकता हूँ। पिछले दिनों एक चीज वायरल चल रही थी। बिल्कुल। थैंक यू फॉर कमिंग। वालेकुम अस्सलाम। यार तुम कराची से आई हुई थी और हैदराबाद कराची से लोग पहले आ गए। तुम लोग इतनी देर। मैं तुम्हारी शादी में सलून में निकल के तैयार होने की है। अच्छा। हाँ। अभी बाल बाल ये हुआ तब खुश नहीं खुश। चलो आज चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बदील। क्या हाल है। परफॉर्मेंस शुरू हो गई है यहाँ पे सिस्टर्स की। लाजमी मिस नहीं करनी। देख रही है आओ तुम लोगों को भी दिखा। परफॉर्मेंस शुरू हो गई है गाइस। ये भंडे मोए 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 मोए। यार ये तो बहुत बड़ा भंड है। ये क्या भंड है। जिनको जलाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया। कुछ न क्या थे क्या हो गए। कैसा फील कर रहे हो निकाह से पहले तुम। आई एम फीलिंग सो कंफ्यूज एंड नर्वस फील कर रहा हूँ। थैंक यू माय मॉम। थैंक यू। क्या कर रहे हैं। कोई सवाल ववाल नहीं करेंगे हम। मुसम्मी तायरान घोरी और मोहम्मद इमरान घोरी आपका निकाह मलाइका बिन के शेर दिन से किया जा रहा है। उन्हें आपकी आपकी आप कबूल करते हैं। जी कबूल किया। ईरान जरा चेहरा दिखाओ। अपने रिव्यूज दें। अपने रिव्यूज दें। क्या रिव्यूज दें। मेरे दोस्त की शादी है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है मेरी शादी हो रही है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ईरान मेरा जगी दोस्त है। हमने बहुत लॉन्ग पीरियड साथ गुजारा। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। अल्लाह पाक इसको हमेशा खुश रखे। बहुत सारी खुशियां। बहुत खुशी आई है ना।
किया था कि ये आएगी। आपका भाई का हो गया निका, ये रही मेरी बेगम। अच्छा जी वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे घर वाले देखने रह जाएंगे। माशाल्लाह से टायरान और भाभी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और बेटा आ जाओ इधर, हम कुल्फी आके खाओ। हाँ तू मुझे ढूंढ रहा, मैं ये रहा पहला ब्लॉग वाला निकल। हाँ मैं आ गया मोबाइल में जरूर बताऊँ। हाँ बता जल्दी बता, इसी मोबाइल में बताऊँगा। क्या इजहार के लिए अल्फाज ही नहीं है मेरी जान। माशाल्लाह देख देख के मैं बाग बाग हो गई, गार्डन गार्डन हो गया इन लोगों का देखने। माशाल्लाह की पगड़ी में तेरा रंग देखा गया, देखो यारा मेरा। गाइस फाइनली निकाह हो चुका है। ओ किसी का दिल तो नहीं टूटा भाई, तायान का निकाह हो गया, किसी का दिल तो नहीं टूटा। सेल्फी मोमेंट गाइस, सारे मेरे दोस्त लोग यहाँ पे उठ के चले गए। अरे मैं खाना बहुत है यार, आप लोग बैठ के खाना खाओ मेरी जान। दुल्हन को खिलाते, मेरी बहनें आएंगी लेके जाएंगी दुल्हन को। पहली दफा सुन रहा है मेरे, उसके पूछना सब चाहने की जिम्मेदारी अभी से संभाल। बहनें आएंगी दुल्हन को संभाल लेंगी। अभी मैं खाता हूँ बिल्कुल खाना, आप लोग खाएं बैठे हैं यार, तशरीफ रखें, मेहमान लोग इंशाल्लाह जरूर लगवा इनको बिठवा यार। मिल भाई तुम लोगों ने खाना वाना खाया? हमारे लिए स्पेशल खाना लगेगा या हम खुद जाके ले, क्योंकि बड़ा रश है ना। आ गया वो लड़का, जो बोल के गया। एक मिनट यार, हमारा खाना लगवाओ ना यार, लगवाओ। दूल्हे ने खाना खा लिया, मेहमानों ने नहीं खाया। ए मैंने खाना वाना नहीं खाया, खाना खा लिया, मेहमान ने खा लिया। कोई खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया। वीडियो है हमारे पास, वीडियो। अब खाना वाना खा के बताना कैसा लगा। वीडियो हमारे पास वीडियो है। हां भाई कायरान, यस कृष्णा ने कहां ने इसमा ही बैठो, इसमा अहमद, इसमा अहमद। मैं वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड, स्पेशल एक दिन पहले आई हूँ। क्या बात है यार, स्पेशल आई है मेरे लिए इसमा। गाइस एक सेकेंड, अभी बहुत मुबारक हो आपको, हमने इतना दोस्त जो है ऑफिशियली आपके सपोर्ट कर दिया है, लेकिन हमने बड़े प्यार से इसको रखा है, आपने भी इसको बड़े प्यार से रखना है, क्योंकि हमारी जान है ना, तायरान हमारी जान। बड़े नाजों से पाया है इसको। ये हमारे नजम भाई, और ये मेरी बड़ी ताजी। यार ये मेरी जो है समझो ससुराल वालों की फैमिली है, मेरे भाई का जो पेरेंट्स हैं, टीचर है, सब लोग यहाँ। ये देखें आप, इधर देखिए गाड़ी। अरे ये मेरे चीते, तुझे कुत्ता लगेगा क्या थोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। वाह की बीमारी, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूँ बुढ़ापा नहीं आता, बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं।